प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 561 हो गई है, जिसमें सबसे अधिक मामले जयपुर से आए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 221 हो गई है। शुक्रवार दोपहर बाद 41 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर से 38, कोटा से 1, दौसा से 1 और जोधपुर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आंकड़ा 98 तक आज मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा 561 तक जा पहुंचा है। अब लग रहा है कि अब और सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सख्ती की बिल्कुल आवश्यकता नजर आ रही है। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो सख्ती की जो जरूरत है वो बिल्कुल देखी जा सकती है कि जिस तरह से जयपुर में आज 153 कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सामने हैं। हालांकि जो आज जो 53 जयपुर में आए हैं, उनमें डोर टू डोर सर्वे के दौरान जो लिए गए सैंपल है उन्हीं के जो पॉजिटिव मरीज है वो सामने आए हैं, जो एक चिंताजनक विषय बनता जा रहा है प्रदेश के लिए। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि जो आज प्रदेश में कुल सभी 24 जिलों में जो कोरोना के जो आंकड़े मिले हैं उनमें 90 कोरोना के आंकड़े वो सामने है। वही 8 जो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो जो ईरान से लाए गए भारतीय नागरिक उनमें से सामने आए हैं। ऐसे में उनमें भी अब तक करीब 50 जो ईरान से लाए गए भारतीय हैं वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लगातार जिस तरह से कोरोना का ग्राफ प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के चिकित्सा महकमे के लिए चिंताजनक जो ये बात है वो बनती जा रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां पर सैंपलिंग की जो व्यवस्था है वो दुगुनी कर दी गई है, साथ ही साथ जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है, ताकि जिस तरह से प्रदेश का जो चिकित्सा विभाग है वो मुस्तैदी से काम करे और सैंपल ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके जो पॉजिटिव मरीज है उनका चयन किया जाए और संक्रमण को रोकने की कोशिश की जाए। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता लोकेश होला जो कि लगातार हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं कोरोना ब्रेकिंग को लेकर, और ये आंकड़े लगातार अब चौंकाने वाले हैं। चिंताजनक ये आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहे हैं और जयपुर में आंकड़ा बढ़कर 221 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता की विषय जरूर है। स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।